तो आज हम पहुंचे हैं अपने जहानाबाद के कनौदी, जहां बनने जा रहा है अपना जहानाबाद का पहला आरओबी। इधर देखिए, इधर अभी अपना काम चालू, मतलब अभी तक अपना काम पूरा इधर नहीं हुआ, इधर का उधर रोड मिल चुका है, इधर अभी नहीं मिला है। और देखिए इधर अपना ब्रिज, और नीचे अभी एक और इसका, इसके ऊपर एक और खड़ा होने वाला है, उसका भी जो सामान है वो रखा हुआ है। तो आज हम पहुंचे हैं अपने जहानाबाद के कनौदी, जहां बनने जा रहा है अपना जहानाबाद का पहला आरओबी। सामने अपना जहानाबाद का आरओबी, और हम लोग आए हैं तीन लोग साइकिल से। देखिए उधर है अपना साइकिल जिससे हम आए हैं, ये दोनों को देख लीजिए। सो ये आरओबी अपने पटना के लाइन में तीन जगह बनने वाला है, जिसमें अपना पटना डिस्ट्रिक्ट, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट और एक गया डिस्ट्रिक्ट। और चलिए दिखाते हैं अपने जहानाबाद में कनौदी में बन रहा है, कैसे बन रहा है वहाँ पर, चलिए दिखलाते हैं। और इधर देखिए अपना काम चल रहा है पूरा आरओबी का ही, उधर आपको दिख रहा होगा आरओबी ब्रिज। तो चलिए चलते हैं अपने उस तरफ और दिखाते हैं आपको। और इधर देखिए अपना साइकिल। चल बाबू। और इधर देखिए अपना काम चल रहा है तेजी से। और ये ब्रिज बनने के बाद जहानाबाद का नक्शा और चेंज हो जाने वाला है। और इधर देखिए अभी मिट्टी भरा रहा है, अभी इस पर बहुत काम बाकी है। अभी उधर एक ही आरओबी खड़ा हुआ, चलती दिखलाते हैं। तो अब हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर, और चलिए यहां से आप लोगों को दिखलाते हैं कैसा अपना आरओबी का ब्रिज बन रहा है, कैसा दिखने में लग रहा है। इधर देखिए, इधर अभी अपना काम चालू, मतलब अभी तक अपना काम पूरा इधर नहीं हुआ, इधर का उधर रोड मिल चुका है, इधर अभी नहीं मिला है इस ब्रिज से। अभी देखिए बीच में काम चल रहा है वहाँ पे। तो अब हम लोग अपना साइकिल चला करके आ चुके हैं इस तरफ, और सामने आप लोग को अपना आरओबी ब्रिज दिख रहा होगा। अब हम पहुँच चुके हैं आरओबी ब्रिज के बाद, आप हमारे पीछे देख सकते हैं यह रहा ब्रिज, और इसके ऊपर भी एक ब्रिज खड़ा होने वाला, अभी एक ही ब्रिज खड़ा हुआ है। अभी अपडेट आप लोग को हम देंगे, तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए इधर अपना ब्रिज, और नीचे भी एक और इसका, इसके ऊपर एक और खड़ा होने वाला है, उसका भी जो सामान है वो रखा हुआ है। और अपना 1000 सब्सक्राइबर होने में बस कुछ ही सब्सक्राइबर बाकी है, तो जल्दी जल्दी से करवा दीजिए। और अपने जहानाबाद का बारिश का पानी देखिए, इधर 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 जाने देखिएगा, होने के लिए पानी लौकेगा इधर। चलिए अब चलते हैं हम लोग नीचे, और नीचे से कुछ सीन दिखला ले रहे हैं आपको। देखिए अब हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे, और नीचे देखिए नीचे कैसे अपना ब्रिज है वो खड़ा रहता है। ये है अपना ब्रिज का पिलर, पिलर ये भी है वो भी है, और ऐसे हम सुने कि इसमें स्प्रिंग भी लगा हुआ रहता है, लगा रहता है स्प्रिंग। स्प्रिंग हम भी तो सुने हैं लगा हुआ रहता है पिलर पे, उसमें लगा हुआ रहता है। और ये देखिए अपना ब्रिज आरओबी, एक उधर भी खड़ा होने वाला है, उसका भी अपडेट देंगे, इसको पहले फाइनल कर देगा। हमको लगता है, चुप रहना भाई, हमको लगता है कि पहले इस वाले को जोड़ के इसे चालू कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे उसको मतलब उसको चालू जोड़ा जाएगा और चालू किया जाएगा। क्योंकि अगर इस लाइन में देखा जाए तो सिर्फ यहीं पर रोज जो है वो स्टॉप है, यहीं से कोई गाड़ी इधर से उधर नहीं आ जा रहा है। और वहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा मधुमक्खी का छत्ता, अभी ब्रिज बनवो नहीं किया है और मधुमक्खी का छत्ता भी लग गया है, बताइए। सो आप लोग बताइए अपने कमेंट में कि आप लोग को ये अपडेट कैसा लगा। देखिए ये अपना नट है यहाँ पर, और इसी में वो ब्रिज जो है वो मतलब सेट हुआ है, इसी से ब्रिज जो है ब्रिज को कुछ पावर मिला है, खड़ा हुआ है और टिका हुआ है। और आप लोग को कैसा वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, मिनी ब्लॉग्स भी मैं बनाता हूँ। ले हो गया।
अरे एक अपन दोस्त वहाँ पे खड़ा हुआ है साइकिल के रक्षा में। चप्पल चल गया इसको। इसका चप्पल फंस गया, अब निकले में दिक्कत हो रहा। जो लौड़ा नहीं देते। और इसमें काम में भी कोई दिक्कत नहीं है, काम बहुत तेजी से चल रहा है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम रुक नहीं रहा है, काम चलते जा रहा है अपना। आपको क्या लगता है कि काम रुकना चाहिए? और आप लोग बताइए कि ये ब्रिज कब तक, मतलब ये रोड कब तक तैयार हो जाएगा, कब तक इस पर गाड़ियाँ दौड़ने लगेगी। और अभी हम लोग चलते हैं ऊपर। और अब हम लोग इधर तो आप लोगों को दिखा दिए अपना ब्रिज का माहौल दिखा दिए हैं, तो कुछ दिन का माहौल, तो कुछ दिन बाद हम फिर आएंगे और फिर आप लोगों को ये ब्रिज का माहौल दिखाएंगे कैसा है, कितना बना है। और अभी हम लोग चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। वो ट्रक फंस गया है और इसको निकालने का कार्यक्रम किया जा रहा है। और अपना साइकिल लिया था, और चलिए देखिए अपना ट्रेन मतलब ट्रेन का पटरी है इधर, अपना जहानाबाद रेलवे स्टेशन है और इधर पटना की ओर। अब यहाँ से निकलते हैं। सो आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो कहीं पर भी थोड़ा सा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस 1K में कुछ और सब्सक्राइबर बाकी है। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।